हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल में खास क्या है आइए दिखाता हूँ। इसके साथ साथ हम लोग एक्सेस की भी थोड़ी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है और यहाँ लिखा हुआ है रोल नंबर, तो अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 एंटर करता हूँ और यहाँ पे नाम कोई लिख देता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मैं रोल नंबर 1 एंटर कर सकता हूँ? चलिए एंटर करते हैं, अभी तो एंटर हो जा रहा है। दूसरा नाम है श्याम का, तो यहाँ पर ये एंटर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये बात थी एक्सेस की, क्योंकि एक्सेस में प्राइमरी की कीज का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या एक्सेल में यहाँ पे 1 एंटर करेंगे, यहाँ पे कोई स्टूडेंट का नाम लिख दिया राम, फिर यहाँ पे क्या 1 एंटर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप 1 एंटर कर सकते हैं, और एक्सेल इस बात का विरोध नहीं करता है, एक्सेल में ये एंट्रीज अलाउड है। तो क्या कोई एक्सेल में ऐसा तरीका है जिससे हम इस चीज को अवॉइड कर सकें? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है और सीधा कहाँ चले जाना है, डेटा वैलिडेशन पर, और यहाँ पर आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन, क्लिक कर दीजिए इस पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा कस्टम पर। यहाँ पर आपको लगाना है एक फॉर्मूला, क्या लगाना है? काउंट इफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा काउंट इफ, इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाइएगा, आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये जो एड्रेस है ना, इस पूरे एड्रेस को लाइन से ये सेल्स को सेलेक्ट कर जाइए, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस सब में डॉलर लग जाए। अब डॉलर का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको कॉमा देना है, और ये जो पहला सेल एड्रेस है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, इज इक्वल टू 1 कर देना है। फायदा क्या होगा कि यहाँ पर यूनिक वैल्यूज ही ये लेगा, ठीक है। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 1 डालते हैं, ठीक है, ये 1 डाला, यहाँ पे 2 डालते हैं, तो 2 तो अलाउड है ही। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर 1 डालते हैं, जैसे ही 1 डाल के यहाँ पे आएंगे तो ये क्या बोलेगा, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड टू इट। अब इसमें एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन हमने लगाया है, इसमें काम एक काम और कर सकते हैं, आपके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है एरर मैसेज आए तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे एरर अलर्ट में जाकर के यहाँ पे जो भी टाइप कर देंगे वही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। प्लीज डोंट रिपीट, डू नॉट रिपीट, ठीक है। तो ये लिख दिया प्लीज डू नॉट रिपीट, और इसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करके ओके कर दिया। तो अब यहां पर जैसे ही हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो यही आएगा, प्लीज डू नॉट रिपीट, देख सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। एक्सेस बेटर है एक्सेल से, लेकिन एक्सेल ज्यादातर लोग सीखते हैं, तो एक्सेल में भी इस तरह का वैलिडेशन आप दे सकते हैं। थोड़ा आपको ये सीखना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपको, ठीक है, ओके।